हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा फर्स्ट की तरह से ही है, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ठीक उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। एक सिचुएशन हमारे पास गिवन है, हमें उसको क्या करना है, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं। इस पे कहा गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900। लेटर शी बायज अनदर बैट, अनदर बैट मीन्स 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300। प्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे क्रिकेट बैट और बॉल की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उनके प्राइस की बात हो रही है, हमें उनको खरीदना है, तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट हमने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, या फिर जो इंडियन साइन है रुपीज को लगा देते हैं रुपीज एक्स। ये किसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल रुपीज वाई। अब ये हमने मान लिया मीन्स हमारे ये वेरिएबल है। अब देखो 1 क्रिकेट बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। अब देखो 1 क्रिकेट बैट अगर 500 का आ रहा है तो 3 क्रिकेट बैट कितने के आएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 500 1,500। ठीक इसी तरह से अगर एक बैट एक्स रुपीज का आ रहा है तो 3 बैट कितने रुपीज के आएंगे, 3x के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 बॉल वाई रुपीज की आ रही है तो 6 बॉल कितने रुपए की आएंगी, 6y की, तो ये 6y हो गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल बिल हो जाएगा, और टोटल बिल हमारा कितना है, वो है 3,900। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। आप यहां पे देखोगे कि इस लीनियर इक्वेशन में ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये 3 से डिवाइड हो गई है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 3। अबव इक्वेशन बाय 3 से इसको डिवाइड कर दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। किसी तरह से एक कंडीशन हो रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनदर बैट मीन्स 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड, तो 1 तो बैट है तो एक्स रुपीज 3 बॉल्स 3y रुपीज इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितने रुपए के, 1,300। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। तो ये दो कंडीशन हो गई, तो ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिचुएशन। तो ये हमने इसको अलजेब्रिकली लिख दिया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, इन दोनों कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग 2-2 पॉइंट चाहिए हमें। यहां पे हम फर्स्ट जो इक्वेशन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300 ये लिख लेते हैं। अब इसमें वेन एक्स इज जीरो 2y इज इक्वल टू 1,300 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1,300 डिवाइड बाय 2
इसको कैंसिल करेंगे 650, तो ये 650 वैल्यू होगी। तो हमारे पास एक तो पॉइंट आ गया 0 और 650। ठीक, इसी तरह से वैल्यू y = 0 रखेंगे तो x = 1300। दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, x 1300 और y 0। ध्यान रखेंगे x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास टू पॉइंट्स आ गए इक्वेशन वन के कोरिस्पोंडिंग। इसी तरह से सिमिलरली फॉर इक्वेशन टू है हमारे पास x + 3y = 1300। अब देखो व्हेन एक्स इज जीरो, जब एक्स जीरो है तो 3y = 1300, और जो वाई है वाई 1300 डिवाइड बाय 3 करेंगे। जब हम व्हेन एक्स इज जीरो करें, व्हेन एक्स इज जीरो 3y = 1300, y = 1300 / 3, लेकिन ये 3 पे कैंसिल नहीं होता, पॉइंट्स में रहेगा। तो हम x की जगह पे कुछ और पुट कर देते हैं, ये नहीं यूज करते हैं। अब देखो हमारा स्केल यहाँ पे देखो कितना आया, 650 और 1300, तो काफी बड़ा स्केल आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, x को 100 ले लेते हैं। तो 100 लेंगे तो ये 100 इधर आगे माइनस का 100 हो जाएगा और 3y = 1200 हो जाएगा। या अगर x को आप 400 ले लें या x को आप 700 ले लें, 100 हमने इसमें से लिया है ताकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखो अगर हम x की जगह पे 100 लेंगे तो ये आ जाएगा 100 + 3y = 1300, 3y = 1300 -100 1200 आ जाएगा, y = 1200 / 3, तो ये 400 आ गया। तो x की वैल्यू जब 100 आई तो y की वैल्यू 400 आई। आप पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप जीरो लेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो आपके लिए प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्लॉट तो वो भी हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। अब when y is zero ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो x = 1300, तो x आ गया हमारे पास 1300 और y की वैल्यू आ गई 0। तो ये दो पॉइंट हमें यहां से मिल गए। अब हम इसे प्लॉट करना है, प्लॉट करने से पहले आप अपने माइंड में देख लेंगे स्केल क्या है, 0, 650, 1300, 100, 400, 1300 और 0। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो आपके माइंड में सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये पता है कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है और जो स्केल है वो काफी बड़ा है, तो आप उसी हिसाब से इसको देख लें। x की वैल्यू देखो मैक्स 1300 तक जा रही है और जो y की मैक्सिमम वैल्यू है 650 तक है। अब आप देखो x, x डैश, y, y डैश और ओरिजिन, यहां पे देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 1200 और 1300, एक और एक्स्ट्रा लेना है तो आप ले लें 1400। इधर माइनस के लिए लिखें, -100, -200, -300, -400 एंड सो। यहां पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड सो। -100, -200, -300,
माइनस 400 एमसो, तो ये हमारे लिख लिया। अब आप देखिए व्हेन एक्स इज फर्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज 650, एक्स जीरो वाई एक्सिस पे मिलेगा, तो यहाँ पे एक्स जीरो वाई विंडो के 650 कहां पे मिलेगा, देखो ये 600 है, ये 700 है, इसके बिल्कुल बीच में 650 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट। ठीक इसी तरह से x 1300 है, y 0 है, y 0 x एक्सिस पे होगा, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब आप चाहो तो इसको स्केल के साथ प्लॉट कर लो, और मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल नहीं है तो मैं इसको ऐसे करूंगा, आप इसको स्केल के साथ करेंगे, तो यहां से आप इसको इस तरह से कर देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर जहां भी आपको ठीक लगे वहां लिख दें ये कौन सी लीनियर इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने प्लॉट किया है, हमने प्लॉट किया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से जब x 0 है तो y 400 है सेकंड के लिए, देखो x 100 है, x 100 है तो y इधर जाएंगे तो ऊपर चलेंगे तो y 400, देखो यहां इसकी सिग्नल आ गया। रिपीट करते हैं x 100 ये रहा, x 100 है तो y कितना है 400 है, तो यहाँ पे इसकी सिद्धि आ जाएगी, देखो हम नीचे आएंगे तो 100 पे आ जाएंगे और इधर आएंगे तो 400 पे आ जाएंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा वही है 1300 और 0, यही पॉइंट है हमारा दूसरा। अब इसको मिला देते हैं इसके साथ, ये हमारे पास सेकंड जो लाइन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम यहां पे आगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से गुजर जाएगी, तो ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर बच्चों यहां पे देखो स्केल बड़ा था, आप ऐसे भी ले सकते थे जीरो, मतलब आप मैं इसको यहां पे अगर करूं तो आप इसको ये जीरो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, आप 200 400 600, इधर 200 400 600, थोड़े पॉइंट कम लगाने पड़ेंगे, ऐसे भी ले सकते थे। यहां पे हमारे पास 800, अब देखो 600 और 800 के बीच में 700, 600 और 700 के बीच में 750 आ जाएगा, यहां कहीं इस तरह से आगे चलेंगे हम तो ये 800, ये 1000, ये 1200, ये 1400, इसके बीच में 1300 आ जाएगा, तो इस तरह से प्लॉट कर देंगे हम x। देखो यहां पे हमारे पास क्या था पहला पॉइंट, x हमारा 0 y 650, तो ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा 1300 और 0, तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम प्लॉट कर देंगे इस तरह से, ये हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 आ गया। ठीक इसी तरह से x 100 है y 400 है, देखो x 100 और 200 के बीच, 0 और 200 के बीच में 100 मिल जाएगा और इसके सीध में y 400 यहां पे मिल जाएगा हमें, और दूसरा पॉइंट हमारा यही है, तो इसको हम मिला देंगे तो इस तरह से ये चल पड़ेगा, तो इस पे हम लिख देंगे कि ये हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है। ऐसे भी कर सकते हैं आप जब स्केल है जो बड़ा लेके, तो यहां पे हमने 100 का स्केल लिया था, यहां पे हमने 200 का स्केल लिया, तो आपकी मर्जी है, स्केल आपको देखना है कि आपका ग्राफ पेपर कितना बड़ा है और आप उसको किस तरह से कन्वीनियंट आपकी सुविधा के अनुसार आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।